कहाँ से आए हैं और क्या सिखाते हैं? हम असम से आया, यहाँ हम अभी 10 साल सिखा रहा है। क्या सिखाते हैं हम? भरतनाट्यम, क्लासिकल डांस, इंडियन क्लासिकल डांस भरतनाट्यम। आप क्या सिखाते? हम सीखने के लिए हम कर्नाटिक म्यूजिक गाता है। हमने डांस सीखने टाइम हम कर्नाटिक म्यूजिक बजाता है। क्या सॉन्ग का गाना गाना Speak English. Can you say something about Kalaakand? Kalaakand is very good atmosphere. It's very good. That means when I'm starting at that time too, I get a lot of facility here for teaching to students. Students also learning, lot of students is. At least that means my 4 students come out. They are very good position now, all 4 students. Can you say something about the atmosphere Kalaakand? This Kalaakand is very beautiful, very good atmosphere. They are very 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 nice facilities. They are school goers when morning goers, evening they can learn. Then evening goers, morning they can learn. Office goers also they can learn morning hours. Very good facilities they are giving government.
concerts for you? पर 13 साल से कथक सिखा रही हूँ और ऐसी सुंदर जगह मैंने कहीं और नहीं देखी। जब सवेरे मैं यहाँ आती हूँ तो नदी का किनारा होता है, पेड़ लहराते हैं हवा में और ऐसे मन को शांति मिलती है जो शायद ही कहीं और जग में मिले। कला अकादमी गोवा का उद्देश्य है कि विभिन्न कला प्रकार यानी संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्र, शिल्पकला, साहित्य, पारंपरिक तथा लोक कला और पाश्चिमात्य संगीत, ऐसे विभिन्न कला प्रकारों का जतन, संवर्धन, उनकी शिक्षा, इसकी सुविधाएं निर्माण करना और इसी संकल्पना लेके इस संकुल की निर्मिति हुई, जहां न केवल शिक्षा या प्रदर्शनी होती है लेकिन परस्पर समन्वय, विचारों का आदान प्रदान यानी इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट टू डिसिप्लिन्स, ऐसे संकुल में महत्वपूर्ण रह गया है। इसका जो आर्किटेक्चर है, उसके पीछे क्या प्रिंसिपल? प्रिंसिपल एक ही था कि हरेक जो ऐसे जो विभिन्न कला प्रकार है वो एक ही छत के नीचे आ जाए, कि जिसमें से न केवल विचारों का आदान प्रदान लेकिन कलाकारों का परस्पर साहचर्य, कलाकार अलग अलग यानी संगीत के, नृत्य के, नाट्य के यानी वैसे साहित्य के या कुछ दृक्कला के भी, ऐसे अलग कला प्रकारों के
कलाकार इकट्ठे आ जाए तो कुछ ऐसी दूसरी चीज़ें बन जाती है। इसीलिए ये पूरा ऐसा संकुल इसी तरह से डिज़ाइन कर दिया, इसी तरह से तैयार हुआ। नहीं, यहाँ का एनवायरनमेंट तो जैसे कला प्रकार उसका, एक्सक्यूज मी जस्ट रिपीट इट, कोई भी कला, अगर कला की शिक्षा या कलाकार जो होता है वो मनस्वी ऐसा होता है, उसके ऐसी कुछ वातावरण, ऐसी कुछ एनवायरनमेंट चाहिए कि जहाँ उनकी प्रतिभा अधिक संपन्न से, अधिक संपन्नता से, अधिक ज़्यादा बल लेके जाग उठेगी। और ऐसे वातावरण जो यहाँ मांडवी नदी के किनारे पे, जब सूर्यास्त यहाँ से बहुत बढ़िया दिखता है, जहाँ कुछ बैठ के भी कलाकार कुछ साधना ऐसी कर सकते हैं कि जहाँ के वो बड़े कलाकार बन जाए। और पहले तो यहाँ के कलाकार बम्बई में चले जाते थे, अब यहीं ऐसी सुविधाएँ कला अकादमी ने निर्माण की गई है कि जहाँ यहाँ से लोगों को बम्बई में या अन्य क्षेत्र में, अन्य प्रदेश में जाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, यहाँ ही सीखे, उनकी प्रदर्शनी भी करे और लोगों के सामने भी उनका प्रदर्शन करे। कला अकादमी का एनवायरनमेंट के बारे में जरूरत है, कैसा माहौल है यहाँ पर, क्यों ऐसा माहौल बनाया गया है? हर एक कलाकारों को साधना करने के लिए ऐसी कुछ शांति रूप जगह लगती है। नहीं, कलाकार जब कुछ साधना करना चाहते हैं, जब कुछ नया बनाना चाहते हैं, नया आविष्कार करना चाहते हैं, तब उनको ऐसी कुछ एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, ऐसे कुछ वातावरण की ज़रूरत है जहाँ वो शांति से अपने मन से काम करे। और इस संकुल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था जब ये मांडवी नदी के किनारे पे बिठाया, और जहाँ पश्चिमी सागर में डूबता हुआ सूरज, ये देखने में जो कुछ कलाकारों को आनंद मिलता है, मेरे ख्याल से वहाँ तो वहाँ उनका प्रदर्शन, न केवल प्रदर्शन लेकिन उस कलाकार का पूरी प्रतिभा, कलाकार की ऐसी जाग उठती है। नहीं, इस कला मंदिर का या कला संकुल का जो स्थपति है यानी आर्किटेक्ट, उसके मन में उन्होंने जो विजुअलाइज किया, ये बड़ा अतिशय महत्वपूर्ण है कि जहाँ पूरी कला प्रकार, न केवल परफॉर्मिंग आर्ट्स या विजुअल आर्ट्स लेकिन साहित्य भी, जिनके अलग अलग रूप यहाँ देखने को मिले। अगर आप इस मंदिर में, इस संकुल में पधारे तो आपको देखेगा कि कहाँ तो साहित्य की कुछ चर्चा चल रही है, कहाँ कोई पढ़ते हैं, कहाँ कोई सुनते हैं, कहीं नृत्य चल रहा है, कहीं पाश्चिमात्य संगीत चल रहा है। अगर आप ऐसे एक नाटक हमें प्रस्तुत करना है, हमें स्टेज पे लाना है, तो इस नाटक के लिए संगीत यहाँ तैयार होता है, यहाँ लेखक लेख के नाटक देते हैं, बाद में उसका संगीत, बाद में उसका नेपथ्य यही हमारे वर्कशॉप में होता है। और ऐसा पूरा नाटक जब स्टेज पे, रंगमंच पे आता है, तब आप ये समझ सकेंगे कि इसका पूरा विजुअलाइजेशन जो पहले से ही आर्किटेक्ट ने किया, ये कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है। कुछ है, फर्क है या वैसे ही? फर्क तो गोवा में तो बहुत सब अच्छा है, बोला तो सब ठंडा, कुछ झगड़ा बिगड़ा कुछ नहीं। कला अकादमी में काम करते हुए आपको कुछ अलग महसूस हुआ है, मतलब और जगह से? और बोल दूसरा, कला अकादमी में काम करते समय मेरा ये सर्विस, बोला तो कला अकादमी का पहला ही सर्विस है, तो इधर काम करते समय थोड़ा सुबह आने के बाद थोड़ा प्रसन्न लगता है। और
नाटक के बारे में जब दिन कला अकादमी में जब आने के बाद जो जो प्रोग्राम होता है, जो संगीत दिन कब निकल जाता है वो समझता ही नहीं। अभी तक आपका सबसे अच्छा प्रोडक्शन कौन सा आप समझते हैं जिसमें आपने काम किया? ऐसा तो हमारे थिएटर आर्ट फैकल्टी में मैं दो नाटक में तो लाइट ऑपरेशन किया, लेकिन उससे अच्छा अंधायुक्त वो कला अकादमी में थिएटर में ही था।